सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो टेकी आर। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 110% कन्फर्म स्पेक्स ऑफ ओप्पो F19 Pro एंड 19 Pro Plus की। गाइज, मैंने YouTube पर भी बहुत सी ऐसी वीडियोज़ देखी इन दोनों के ऊपर, बट किसी में भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्यूरेट स्पेक्स नहीं है। कोई कह रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, कोई कह रहा है लीक्स के अकॉर्डिंग, बट वो भी ठीक नहीं है, वो भी गलत स्पेक्स हैं। और कन्फर्म जो इनकी स्पेक्स हैं वो आपको आज इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। हम शुरू करेंगे गाइज ओप्पो F19 Pro से और ख़त्म करेंगे ओप्पो के ही एक न्यू प्रोडक्ट पर, और वो प्रोडक्ट कौन सा होगा आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। सो गाइज, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। बट उससे पहले, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोज मिलती रहेंगी रेगुलर बेसिस पर। सो गाइज, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को F19 Pro के साथ में। अब गाइज, F19 Pro को मैं 19 Pro कहूँ या 70 Pro ही कहूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब दोनों में ही कोई मेजर डिफरेंस नहीं है लुक्स के अलावा, बाकी इनमें सब कुछ सेम ही रहने वाला है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्प्ले की, तो इसमें भी आपको 6.43 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको फ्रंट साइड पर एक सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का, और बैक साइड पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपका 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा होगा, देन 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस आपको इसमें मिलने वाला है। उसके बाद गाइज, अगर बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको मिलती है 4310 mAh की एक बैटरी, जिसे आप चार्ज कर सकते हो 30 वॉट के सुपर वूक 4.0 के साथ में। उसके बाद गाइज, बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको अगेन सेम प्रोसेसर ही मिलने वाला है मीडियाटेक की तरफ से P95। अब ओप्पो P95 को क्यों नहीं छोड़ रहा, आई डोंट नो, स्टॉक ज़्यादा आ गया होगा शायद। सो गाइज, इसके अलावा आपको इसमें मिलती है 8GB की रैम एंड 128GB की इंटरनल स्टोरेज। उसके साथ में इसमें आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, 128 की स्टोरेज एंड 256GB 8GB के साथ में ही आपको ये दो ऑप्शंस मिलने वाले हैं। प्लस इसमें इस बार थोड़ा बैटरी में इंक्रीज हुआ है कंपैरिजन टू F17, बट फिर उससे इसमें थोड़े वेट में भी इम्प्रूव हुआ है। इसका आपको वेट गाइस देखने को मिलने वाला है 172 ग्राम्स का, और इसकी थिकनेस रहने वाली है 7.8 mm की। मतलब अभी जैसे आप अपनी स्क्रीन पर इन दोनों की स्पेक्स कंपेयर कर सकते हो ओप्पो F17 Pro एंड F19 Pro की, और दोनों में ही कोई कुछ मेजर डिफरेंस मुझे तो नहीं लगा। बाकी आप देख सकते हो, आपको 17 Pro अगर आप यूज़र हो ऑलरेडी और आप शिफ्ट करना चाहते हो 19 Pro पर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 17 Pro ही यूज़ कर लो। 17 Pro पर भी आपको एंड्रॉयड 11 की अपडेट मिल चुकी है, आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हो, बढ़िया फ़ोन है। अगर आप 19 Pro पर शिफ्ट करना चाहते हो तो आप 17 Pro पर ही रह सकते हो, वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं ओप्पो के 5G डिवाइस के बारे में, मतलब ओप्पो का F19 Pro Plus। अब गाइज, F19 Pro Plus और F19 Pro में भी कुछ खास मेजर डिफरेंस तो नहीं है, बट वो 4G में है, और जो 19 Pro Plus है वो आपको 5G में देखने को मिलने वाला है। और इसमें आपको 8GB की रैम एंड 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। प्लस इसमें आपको प्रोसेसर इस बार देखने को मिलेगा Dimensity 800U का, जो हम ऑलरेडी X7 में देख चुके हैं Realme में। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, बढ़िया परफॉर्मेंस देगा ये प्रोसेसर आपको, बट डिपेंड करता है इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी X7 है। सो अब डिपेंड करता है कि ओप्पो इसे किस प्राइस रेंज पे लॉन्च करेगा। नो डाउट X7 से अप ही रहने वाला है, मतलब Realme से ओप्पो के प्राइसेस अप ही रहते हैं। उसके बाद गाइज, अगर हम यहाँ पर आते हैं इसके कैमरा सेटअप पर, तो कैमरा सेटअप आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, बट मेगापिक्सल सेम ही रहने वाला है। फ्रंट साइड पर आपको सिंगल पंच होल कैमरा मिलेगा 16 मेगापिक्सल का, और बैक साइड पर आपको सेम कैमरा मेगापिक्सल देखने को मिलने वाला है 48:8:2+2 का, बट जो कैमरा पोजीशन है, कैमरा एंगल है, वो आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। 6.4 इंचेस का ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सेम बैटरी बैकअप रहने वाला है, मतलब 4310 mAh का बैटरी बैकअप होगा, बट यहाँ पर आपको चार्जर 50 वॉट्स का मिल जाएगा। F19 Pro में आपको 30 वॉट का चार्जर है, और 19 Pro Plus में आपको 15 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाएगा, प्लस ये 5G में रहने वाला है। अब गाइज, आप अपनी स्क्रीन पर इन दोनों की स्पेक्स देख सकते हो, इन्हें कंपेयर कर सकते हो, और दोनों में ही कुछ मतलब मेजर फीचर या कुछ मेजर चेंज इस बार देखने को नहीं मिला है। शायद ओप्पो को अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग मार्केट में एक सस्ता 5G लेकर आना था, क्योंकि ओप्पो का जो लास्ट 5G, मतलब जो फर्स्ट 5G आया था मार्केट में,
वो 36,000 की रेंज में आया था ओप्पो रेनो 5 प्रो, और ओप्पो को अब कॉम्पिटिशन को देखते हुए थोड़ा लो बजट में भी 5G निकालना था, इसलिए वो F19 प्रो प्लस को लेकर आए हैं। बट अब गाइज जब फ़ोन हाथ में आएगा तभी हम इनकी परफॉर्मेंस जज कर पाएंगे, एंड आई होप आपको जल्दी ही इस चैनल पर इन हैंड वो फ़ोन देखने को मिल जाएगा। और वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अब गाइज आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर लगा। ऑब्वियसली 5G की साइड ही जाओगे बताया, बट फिर भी अगर आपको लेना हो तो आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना पसंद करोगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइज अब बात कर लेते हैं हमारे उस बोनस पॉइंट की, मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ओप्पो का एक नया प्रोडक्ट आने वाला है, और गाइज वो है ओप्पो फिटनेस बैंड। जी हाँ गाइज, ओप्पो अपने फिटनेस बैंड भी अब लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको 1.1 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसकी फर्स्ट लुक आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और गाइज ये एक ही बैंड है, और इसमें आपको ये दो डिफरेंट स्टेप्स मिल जाते हैं, मतलब आपको जो सा पसंद हो आप वो वाला यूज़ कर सकते हो, आपको बॉक्स में ही ये दोनों मिल जाएंगे। अब गाइज इसमें आपको एक तो 1.1 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, प्लस इसमें आपको 12 तरह के डिफरेंट वर्कआउट मोड्स मिल जाएंगे, 40 प्लस इसमें आपको वॉच फेसेस मिल जाएंगे, प्लस आपको इसमें 50 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा 10 मिनट्स तक, 100 mAh का इसका बैटरी बैकअप होने वाला है, जो कि ओप्पो कहता है कि आपको ये 12 डेज का बैटरी बैकअप दे देगा। IP68 प्रूफ्ड है, मतलब आप इसे पानी में यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। सो गाइज ये थी जस्ट एक छोटा सा इसका स्पेसिफिकेशंस। अब जब ये बैंड्स मार्केट में आ जाएंगे तो इसकी भी अनबॉक्सिंग आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, और वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।